अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमाद इंस्ट्रक्टर ऑन कैनवा। एक्चुअली टुडेज़ टॉपिक इज़ के हाउ टू गेट द PSD फाइल, हाउ टू गेट गेट द सोर्स फाइल ऑफ एनी कैनवा डिज़ाइन। जब आप कैनवा पे डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसकी सोर्स फाइल, उसकी PSD फाइल किस तरह से बनानी है, जो कि अडोब पे, जो कि इलस्ट्रेटर पे और डिफरेंट जगह पे एज एन सोर्स फाइल, एडिटेबल फाइल यूज़ हो सके। मोस्टली क्वेश्चंस तब आते हैं कि जब आप यूज़ कर रहे होते हैं कि लाइक फाइवर पे आपने कोई कैनवा से रिलेटेड काम किया, तो उसके बाद आपको कोई आपका क्लाइंट डिमांड करता है जी मुझे सोर्स फाइल भी चाहिए, तो आप किस तरह से कैनवा डिज़ाइन की सोर्स फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली जस्ट यू हैव टू गो टू द शेयर ऑप्शन, उसके बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना एज एन PDF कर लें या कोई भी कर लें, PNG भी कर लें तो चल जाएगा, लेकिन PDF आई प्रेफर PDF कि आप PDF से डाउनलोड करें। मैंने ऑलरेडी PDF एक डाउनलोड किया हुआ है इसका, ताकि नेट स्लो होने की वजह से ये ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम करे। सिंपली ये PDF डाउनलोड हुआ हुआ है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद ये डिज़ाइन मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है ये, ठीक है। आपने सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद लिखना है आपने photopea.com, दिस इज़ photopea.com। उसके बाद आपने जब यहाँ पे आप आ गए हैं, आने के बाद आपने जी इसको एज एन फोल्डर चेक कर लें। फोल्डर में देखने के बाद आप इसको एक दफ़ा, मैं ज़रा जब आपके पास इस तरह से फोटोपी का होम पेज ओपन हो जाएगा, तो जस्ट आपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप योर फाइल हेयर, ड्रॉप एनी फाइल हेयर, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, तो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे एक अपनी फ़ाइल जो है वो आपने ड्रॉप कर देनी है। करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको लोडिंग होने दें, उसके बाद ये फ़ाइल यहाँ पर इस तरह से शो होने लग जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये एक सोर्स फाइल है, सोर्स फाइल क्रिएट होगी। सपोज़ दैट मैं इसको गायब करता हूँ, ये देखें कैनवा के लोगों तक की जो है वो उसकी डिफरेंट वो हो गई हैं, पार्टीशंस हो गई हैं, ये देखें। अगर इसको मैं सोर्स फाइल, इसके बाद आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप इसके डिफरेंट पार्टीशंस कर सकते हैं किसी भी लोगों की, किसी भी चीज़ की। तो उसके बाद आपने सिंपल कैनवा फाइल्स में जाना है, फाइल्स में जाने के बाद सेव एज PSD फाइल। जब आप PSD फाइल सेव कर लेंगे तो सिंपल आप यहाँ पे कोई भी नेम लिखें एंड सेव करें, और उसके बाद आप इसको इलस्ट्रेटर पे ओपन करें, चाहे अडोब फोटोशॉप पे ओपन करें, जहाँ पे भी आपका दिल चाहता है, आप जहाँ ओपन करना चाहते हैं, या इसको इस तरह से आप अपने क्लाइंट को सेंड करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप सो द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब एज वेल ऑलरेडी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।